नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप के सुपर 12 के दूसरे मुकाबले में वेस्टइंडीज और इंग्लैंड आमने सामने थे। इस मैच में वेस्टइंडीज की टीम बेहद ही कम स्कोर पर ऑल आउट हो गई, जिस लक्ष्य का पीछा अंग्रेजों ने शानदार और आसानी से कर लिया। हालांकि कुछ विकेट गिरे, लेकिन स्कोर इतना छोटा था कि दबाव कोई भी महसूस इंग्लैंड को हुआ नहीं। इस जीत में इंग्लैंड ने शानदार तरीके से उनके बॉलर्स ने योगदान दिया है। वहीं जॉस बटलर ने भी एक शानदार इनिंग छोटी सी खेली है, क्योंकि स्कोर ही इतना कम था। तो ऐसे में आइए जानते हैं कि इंग्लैंड की जीत के हीरो कौन रहे हैं। सबसे पहले कारण और सबसे पहले हीरो को अगर आप यहां पर उठाकर देखेंगे, तो आंख मूंद के अगर आपने ये मैच आज देखा होगा तो एक नाम जरूर सुना होगा, आदिल रशीद का। उन्होंने जिस तरीके से गेंदबाजी की है, उन्होंने इतिहास ही बना दिया है अपनी टीम के लिए। 2.2 ओवर की गेंदबाजी की, खर्च किए महज 2 रन और चटका दिए उन्होंने कुल 4 विकेट। तो आप समझ सकते हैं कि जब इतनी खतरनाक गेंदबाजी कोई गेंदबाज अपनी टीम के लिए करेगा तो उसकी टीम निश्चित ही मैच जीतेगी। इसीलिए आदिल रशीद इस मैच के हीरो रहे, मैन ऑफ द मैच रहे और अपनी टीम के जीत के पहले कारण बने। दूसरे कारण पर बात करेंगे तो उनके जोड़ीदार मोइन अली का नाम यहां पर आएगा। 4 ओवर गेंदबाजी की, मेडन भी फेंका एक, 17 रन खर्च किए और 2 बड़े विकेट उन्होंने भी चटकाए। मतलब स्पिन जोड़ी ने पूरी तरीके से वेस्टइंडीज को बांध कर रखा और महज 55 रनों पर ऑल आउट करके पवेलियन भेज दिया। इसीलिए मोइन अली ने भी उसमें शानदार योगदान दिया और जीत के दूसरे बड़े हीरो रहे। तीसरे हीरो की बात करेंगे तो यहां पर उनके तेज गेंदबाज टाइमल मिल्स का नाम आएगा। मिल्स ने आज जिस तरीके से गेंदबाजी की वो काफ़ी काबिले तारीफ थी। एक तरफ स्पिनर्स हावी थे, दूसरी तरफ मिल्स ने भी शानदार गेंदबाजी करते हुए उन्होंने अपना लोहा मनवाया और 4 ओवर में उन्होंने 17 रन खर्च किए और 2 विकेट चटकाए। ऐसे वक्त में जब वेस्टइंडीज थोड़ा खड़ा होने का प्रयास कर रहा था उस वक्त, इसीलिए जीत के हीरो में वो तीसरे कारण बने हैं। चौथे कारण पर बात करेंगे तो यहाँ पर जॉनी बेयरस्टो का नाम आएगा। अब आप सोच रहे हैं बेयरस्टो ने ऐसा क्या कर दिया कि वो जीत के हीरो रहे। दरअसल बेयरस्टो की फील्डिंग जिस तरीके से रही, उसकी वजह से वेस्टइंडीज काफ़ी आघात हुआ। उन्होंने 2 शानदार कैच लपके, उस कैच में नाम अगर आप सुनेंगे तो आप टोंक जाएंगे। पहला कैच डीजे ब्रावो का लिया और दूसरा कैच कायरन पोलार्ड का। अब आप समझ सकते हैं कि जब 2 बड़े प्लेयर का उन्होंने इतनी शानदार तरीके से कैच करके आउट किया तो जीत के हीरो निश्चित तौर पर रहेंगे। और इसके अलावा उन्होंने फील्ड, जो ग्राउंड फील्डिंग थी, वहां पर भी शानदार प्रदर्शन किया, इसलिए जीत के हीरो में वो चौथे कारण रहे हैं। पांचवें कारण पर अगर बात करेंगे तो यहां पर नाम आएगा जॉस बटलर का। 56 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम ने विकेट जल्दी जल्दी गंवाए। छोटे लक्ष्य में भी उनके काफ़ी विकेट चले गए, लेकिन एक तरफ जॉस बटलर खड़े रहे और उन्होंने टीम को शानदार तरीके से जीत दिलाई और अपने वर्ल्ड कप का आगाज बेहतरीन तरीके से शुरू किया है। तो ये हीरो रहे हैं इंग्लैंड की जीत के। आपको कौन से ऐसे 5 कारण लगते हैं जिसकी वजह से अंग्रेजों ने वेस्टइंडीज को धूल चटाई है, कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताएँ।